कोरोना की दूसरी वेव के बाद एक बार फिर शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया था, लेकिन पिछले हफ्ते शेयर मार्केट ने फिर से उड़ान भरी, जिससे देश की कई कंपनियों के मार्केट कैप में भी बम्पर इजाफा हुआ है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की टॉप 10 कंपनियों में से 9 कंपनियों के मार्केट कैप में 2.41 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस समय HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मार्केट कैप में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते BSE के 30 शेयरों में 1807.93 पॉइंट्स या 3.7% की तेजी रही थी। BSE डेटा के मुताबिक HDFC बैंक के मार्केट कैप में 60,584.04 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद बैंक का मार्केट कैप बढ़कर 8,25,619.53 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप 40,604.13 करोड़ रुपए बढ़कर 12,68,459.17 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बैंक का मार्केट कैप 36,233.92 करोड़ रुपए बढ़कर 3,57,966.17 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा ICICI बैंक का मार्केट कैप भी 31,319.99 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 4,44,563.06 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, और कोटक महिंद्रा बैंक की मार्केट वैल्यू में 10,055.81 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद उसका मार्केट कैप 3,48,414.61 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। BSE में मार्केट कैप के लिहाज से देश की बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बार फिर से टॉप पर रही। इसके बाद TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HUL, HDFC, ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस का नंबर आता है। वहीं अगर गैर वित्तीय कंपनी बजाज फाइनेंस की बात करें तो उसके मार्केट कैप में पिछले हफ्ते 18,279.85 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रही, जिसके बाद कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 3,39,871.90 करोड़ रुपए हो गया। वहीं IT कंपनी इन्फोसिस का मार्केट कैप 16,148.39 करोड़ रुपए के उछाल के साथ 5,77,208.83 करोड़ रुपए रहा, जबकि टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज यानी कि TCS का मार्केट कैप 10,967.68 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 11,39,455.78 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा पिछले हफ्ते सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL के मार्केट कैप में गिरावट दर्ज की गई। HUL का मार्केट कैप 3,777.84 करोड़ रुपए घटकर 5,54,667.44 करोड़ रुपए रहा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के साथ ही देश की बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप में भी बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। कोरोना के मामलों में देश भर में गिरावट आई है, जिसके बाद शेयर बाजार ने भी रफ्तार पकड़ी है। अब अगले हफ्ते शेयर बाजार क्या रुख करता है ये तो सोमवार को ही पता चलेगा।